यार मेरे अकाउंट से फोन क्यों कर रहे हो? तुम जितने बुक कराया उसको करो ना, मैंने थोड़ी किया है बुक। तो भाई नंबर यही आ रहा है हमारे पास, तो ऑर्डर है आपका ऋषि के नाम से, वैक खाली करना है। तो भाई जैसे कि यार ये देख लो आप, इस पर लिखा हुआ 1198। अगर आप किसी और की सेल्फी दे दोगे ना भाई, तो आपकी आईडी हो जाएगी बंद। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। भाई ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं अपन इवनिंग से। आई होप आप सब भाई बढ़िया होंगे। भाई बढ़िया रहना, टाइटल थंबनेल देख के समझ गए भाई आप अपन क्या काम करने वाले वीडियो में। भाई सबसे पहले आपको करना पड़ेगा अमेज़न फ्लैक्स का स्लॉट बुक करना पड़ेगा। अगर आपको फ्लैक्स में काम करना है तो पहले आपको फ्लैक्स का स्लॉट बुक करना पड़ेगा। भाई बुक करने की क्या प्रक्रिया है उसके रिगार्डिंग मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, चैनल पर वीडियो पड़ी काफ़ी सारी, भाई उनमें बता रखा है किस तरह स्लॉट बुक करना है। तो बाकी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ भाई स्लॉट बुक करने का तरीका क्या है। भाई ओपन करेंगे अमेज़न फ्लैक्स की एप्लीकेशन को और भाई ऑफ़र में आएंगे, और ये रहा ऑफ़र में आके, तो भाई यहाँ पे आपको स्लॉट वगैरह दिखे मिल जाएंगे आपको, वो आपको क्लिक करके करना पड़ेगा शेड्यूल, मतलब कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो भाई अभी अपने स्लॉट बुक कर रखा है एक्सेप्ट, जो कि भाई अपना है 7:45 का है भाई, कैलेंडर 16 तारीख, ब्लॉक अपना 7:45 का। तो भाई ब्लॉक अपना एक्सपर्ट हो रखा है और टाइम हो रखा है भाई 7:29, मतलब भाई अपन बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर ही हैं और पहुंचने वाले हैं वेयर हाउस। बस भाई वेयर हाउस पहुँच कर सबसे पहला काम रहता है अपना चेक इन करने का, मतलब भाई सेल्फी देने का, ताकि भाई कंफर्म हो जाए वीडियो कंपनी को कि भाई आपकी आईडी पे आप ही काम कर रहे हो, कोई और बंदा काम तो नहीं कर रहा। अगर आप किसी और की सेल्फी दे दोगे ना भाई, तो आपकी आईडी हो जाएगी बंद। पहले करते हैं अपन सेल्फी। तो भाई जी सेल्फी हो चुकी डन, यूज़ फ़ोटो, थोड़ा सा टाइम लेगा ये 30 सेकंड का मैक्सिमम। तो भाई हो चुकी सेल्फी में सबमिट, तो चेक इन कर लेंगे अपन, और चेक इन करने के बाद अपन चलेंगे अंदर वेयर हाउस में। अपना अंदर सामने वेयर हाउस है, अपने को लेना पड़ेगा बारकोड। जब तक भाई बारकोड नहीं लेंगे तो अपने को पैसे नहीं मिलने के और ना ही ऑर्डर साइन होने के। तो भी चलते हैं अंदर और बारकोड वगैरह लेते हैं, देखते भाई क्या रूट मिलता है अपने को। A few moments later. भाई जी रूट हो चुका पिकअप, टाइम रखा 7:49 और भाई मैप में आते हैं। अभी अपने पास 4 ऑर्डर हैं, 5 नंबर, 4 नंबर और भाई 2 नंबर और 3 नंबर, सोसाइटी सेम है, समरी माओ सभी ऑर्डर पेड है। भाई ये अपना है चाम्स कास्टल और भाई ये है अपना 4 नंबर आशियाना पाम कोर्ट, 5 नंबर भाई गुलमोड़ गार्डन। तो भाई बाइक का मीटर है अभी अपना 16,139। तो भाई मैक्सिमम अपने को ना 4 से 5 ऑर्डर मिलते ही हैं मैक्सिमम 2 घंटे के स्लॉट में ग्रोसरी वाले में। हाल चलता ही था अपने फर्स्ट ऑर्डर की लोकेशन के लिए, जो कि अपनी चाम्स कास्टल करेंगे अपन, जो जहाँ के अपने 2 ऑर्डर हैं। तो सीधे मिलते हैं आपसे लोकेशन पर पहुँच कर। भाई जी अपन तो पहुँच चुके अपनी फर्स्ट लोकेशन पर, चाम्स कास्टल सोसाइटी है। अब पता है भाई आज की जो वीडियो है ना भाई, मेन रीज़न है भाई जो कुछ नए बंदे हैं चैनल पे अपने, जो नए बंदे आते हैं वीडियो देखने भाई उनके लिए है भाई, बाकी जो बंदे पुराने हैं उनको तो पता है भाई अपना फ्लैक्स में काम कैसे करते हैं अपन। भाई जी एंट्री हो चुकी है अपनी और भाई पता है क्या सबसे अच्छी बात क्या है, सोसाइटी सेम और भाई टावर भी सेम ही है अपना, और फ्लोर भी ना भाई, मतलब मान लो बस एक है 16 फ्लोर, एक है 15 फ्लोर। अभी मज़ा आएगा ना वीडियो, मज़ा आ जाएगा भाई। अब है मेन सब कुछ भाई, कैसे अपने निकालने ऑर्डर वगैरह, बैग के अंदर तो भाई काफ़ी सारे बैग हैं, तो अपना ऑर्डर कैसे निकालना है। सपोज देन भाई अपन लोकेशन पे, यहाँ पे अपने को निकाल 3 नंबर का ऑर्डर जिसका बैग नंबर है 1998। तो भाई 1998 निकालते हैं अपन। तो भाई जैसे कि यार ये देख लो आप, इस पर लिखा हुआ 1998, ये रहा भाई 1998। तो अपने भाई बैग निकाल लिया ये वाला, और भाई अभी निकालते हैं अपन यहाँ का अपना दूसरा ऑर्डर भी है 2627। तो भाई इस वाले ऑर्डर में तो बल्क सा लग रहा है अपने को, काफ़ी बैग भारी भारी हैं इसके। भाई अभी चल के यहाँ पे एक अंदर एंट्री कराते हैं अपन, क्योंकि सोसाइटी के अंदर ही भसड़ है बहुत गंदी वाली यार, टावर की एंट्री, गेट की एंट्री, कहाँ कहाँ की एंट्री करवाए यार हम। अभी ढूंढना अपना फ्लैट नंबर कौन सा है, और भाई जैसे मान लो सपोज अपने को वाला ऑर्डर देना है, इस पर क्लिक करेंगे अपन और भाई स्टार्ट ट्रेवल, फ्लैट नंबर चेक कर लो कस्टमर का एक्यूरेट है या नहीं, ताकि बाद में दिक्कत ना हो आपको। आई वी पार्क्ड, और भाई दोनों बैग कर लेंगे अपन स्कैन ताकि कंफर्म हो जाए ये इनका कस्टमर का बैग है और ये वाला है ऑर्डर है आपका, बैग खाली करना है, आइटम चेक कर लें, ठीक है ना। कस्टमर बैग खाली कर रहे हैं, इतने अपन अपनी फॉर्मेलिटी जो है पूरी कर लेते हैं, सभी आइटम अपने को नो प्रॉब्लम करनी पड़ेगी बिकॉज ये कंपलसरी है। जैसे मान लो कुछ आइटम में दिक्कत है तो यहाँ नो प्रॉब्लम मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आइटम डैमेज, तो अगर आइटम डैमेज डैमेज कर दो, मिसिंग है तो मिसिंग कर दो, इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट डाल दो। सपोज इन कस्टमर टमाटर मंगाए लोकल वाले, इन्होंने स्टैंडर्ड भेज दिए, तो भाई थोड़ी ये दिक्कत होती है। और आइटम नो लॉन्गर डिसाइड, मतलब कुल मिलाकर कस्टमर को चाहिए नहीं रीजन, मतलब आइटम कोई दिक्कत नहीं अपनी तरफ से, हो गया खाली, थैंक यू। तो
तो भाई मतलब कस्टमर को कोई चाहिए नहीं आइटम, क्योंकि भाई अपने पास से कोई दिक्कत नहीं है आइटम में। तो फिलहाल अभी सभी अपने आइटम करते हैं, नो प्रॉब्लम। भाई जितने भी आइटम होंगे सभी अपने को करने पड़ेंगे एक एक करके क्लिक सभी। तो भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 आइटम है। कंटिन्यू कन्फर्म। और भाई जिनको ऑर्डर हैंड ओवर किया है स्वाइप टू फिनिश। और अभी चल रहे हैं अपन अपने 15th फ्लोर पे, सोसाइटी सेम है बट फ्लैट नंबर चेंज है। और भाई इनका ऑर्डर है एक बैग का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बैग भी दिखाया था यहाँ पे, जैसे भाई अपना ये अपना ऑर्डर है यहाँ पर दिखा रहा ना, पैकेज डिलीवर 1 पैकेज, इसमें दिखा रहा 2 पैकेज, इसमें दिखा रहा 3 पैकेज, अगर आपको दिख रहा हो तो भाई। तो इस पर क्लिक करते हैं भाई और इनका भाई इनका ऑर्डर भी देते हैं। बट भाई फ्लैट नंबर आप चेक कर लो ताकि दिक्कत ना हो, फिर दोबारा सेम प्रोसेस बैग को स्कैन करने का। और इनके 3 ही आइटम है सर भाई। ऑर्डर है आपका ऋषि के नाम से, 2 आइटम इसमें। थैंक यू भाई, करते हैं डिलीवरी ऑर्डर को भी कंटिन्यू। 3 आइटम भाई, 3 आइटम कर देंगे नो प्रॉब्लम। कंटिन्यू कन्फर्म, स्वाइप टू फिनिश। भाई जी 2 ऑर्डर अपने हो चुके हैं कंप्लीट, और भाई दोनों ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं, सब दोनों ऑर्डर में भाई किसी ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं अपने को, मतलब भाई आइटम मिसिंग डैमेज कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, सभी आइटम अपने ओके थे। तो अपने अभी अब चलते हैं अपन अपने 3rd ऑर्डर लोकेशन के लिए, जो कि भाई अपना आशा है पाम कोर्ट का। मतलब भाई जो नए बंदे हैं ना उनके लिए तो बढ़िया प्लॉटिंग एरिया, क्योंकि भाई उनको दिक्कत नहीं होती भाई एड्रेस ढूंढने में, लोकेशन एक्यूरेट मिल जाती है। बट जो पुराने बंदे हैं भाई, जैसे भाई अपन लोग हैं, अपने को बहुत दिक्कत होती है भाई सोसाइटी एरिया में, भाई टाइम बहुत लगता है मेन चीज़। भाई प्लॉटिंग एरिया होता ना, अब तक अपन फ्री हो गए थे अपने ऑर्डरों से। खैर कोई दिक्कत नहीं यार, वो जो भाई पहुँच चुके हैं लोकेशन पर, बाइक को करते हैं पहले पार्क, बिकॉज अपन जाएंगे बाइक लेके, क्योंकि टावर है, सेकंड टावर पड़ेगा यहाँ से काफ़ी थोड़ा पीछे पड़ेगा इस चक्कर में। तो भाई अब गार्ड ने अगर बाइक लेके नहीं जानते ना भाई, तो एक कस्टमर को लगा दूँगा फ़ोन, कहूँगा जी ऑर्डर में बैठा मैं नहीं आ रहा भाई। तो एंट्री अपनी हो चुकी है, और जैसे भाई अपने कस्टमर को फ़ोन लगा अप्रूवल के लिए, इतने अपने अप्रूवल भी आ गया, अच्छी बात है भाई। और अपना सेकेंड टावर सोसाइटी के अंदर का देते भाई ऑर्डर को भी। तो भाई एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ और बैग वैग कैसे निकालने होते हैं अपने को। सपोज देन अपना ये वाला ऑर्डर है, इस पर क्लिक करा अपने ने, और भाई स्टार्ट ट्रेवल, आई वी पार्क्ड, क्योंकि भाई अपन टावर के नीचे खड़े हैं। भाई अब देखते हैं बैग नंबर क्या दिखा रहा है इसमें, 1979-3429। तो भाई इसमें अपन ढूंढेंगे 1979-3429। भाई 2 ऑप्शन होते हैं, इसको निकालो बाहर पहले, खाली बैग हैं भाई। एक तो भाई अपन इसको सीधे स्कैन कर लेंगे 3429 है, अब है भाई 1979, और भाई 1979 बैग अपना ये वाला पैन होगा तो एंट्री कर देंगे अपन। लो जी भाई पैन हैगा। तो भाई एंट्री कर चलेंगे अपन, गार्ड भी है तो है नहीं भाई, खुद ही अपने एंट्री कर दिया भाई। एंट्री करके जाए करो कि भाई एंट्री होगी ना, कुछ दिक्कत वाली बात होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने की। अभी अपने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आइटम अपने, इतने अपन लिफ्ट में तो हैं भाई, खाली खड़े हैं, थोड़ा टाइम बचा दें अपना नो प्रॉब्लम करके। हेलो, मैं आपको ऑर्डर लेके आया था अमेजोन से। हेलो, हाँ अमेजोन से ऑर्डर लेके आया था मैं आपका, फ्रेश का आइटम है ग्रोसरी वाला। हाँ जी, फ्रेश का आइटम, फ्रेश का ग्रोसरी वाला। ग्रोसरी वाला? हाँ जी हाँ जी। यार अभी तो घर पे कोई भी नहीं है, तो बताइए क्या करना है। या तो आपको 20-25 मिनट रुकना पड़ेगा। नहीं भैया इतना टाइम तो नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे को और भी ऑर्डर डिलीवर करना है ना अभी। तो अभी अभी फिर ले जाओ, फिर कल दे देना मॉर्निंग में। तो भैया रिजेक्ट होगा ऑर्डर के, क्योंकि ये प्राइम की डिलीवरी है ना फ्रेश वाली, डिलीवर्ड या कैंसिल, दो ही ऑप्शन होते हैं अपने पास। भाई नंबर यही आ रहा है हमारे पास, तो ठीक है जी। भाई कस्टमर बोल रहे हैं ऑर्डर कैंसिल के लिए, तो भाई कैंसिल कैसे करते हैं वो दिखा दूंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले अपने को ऑफिस फ़ोन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा उनको, इन्फॉर्म करना पड़ेगा भाई ऑर्डर कैंसिल किस रीजन पे हो रहा है। कौन लगाता हूँ ऑफिस में, देखते हैं भाई क्या बोलता बंदा वो। हेलो, एक आसियाना का ऑर्डर है, कस्टमर कह रहा है भैया कल ले आना। आसियाना पाम कोट, ठीक है अपने इन ऑफिस बात कर ली। भाई ऑर्डर कैंसिल करना कैसे कैंसिल आपको मैं दिखा देता हूँ भाई आपको। इसमें अपन आएंगे, क्लिक करेंगे इन्फॉर्मेशन पे, और भाई 2 ऑप्शन आते हैं रिटर्न आइटम पे। रिटर्न आइटम पे ऑप्शन आएंगे,
पार्सल इज मिसिंग डैमेज, हार्दिक भटनागर डज नॉट वॉन्ट दिस ऑर्डर एनी मोर, ये ऑर्डर सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। और इसमें आते हैं भाई अपन अनेबल टू डिलीवर में, इसमें अपने पास ऑप्शन आते हैं कस्टमर नॉट अवेलेबल, अनेबल टू लोकल एड्रेस, भाई अपन डालेंगे कस्टमर नॉट अवेलेबल, कस्टमर अपने फ्लैट पर है नहीं, अपन होगा बिल्कुल सेफ। भाई जी अपना ऑर्डर हो चुका है कैंसिल बिकॉज कस्टमर यहाँ पर अभी घर पे है नहीं, और वो बोल रहा है वेट करने के लिए, पहले तो बोलते वेट कर लो, फिर कहने लगे भाई क्या नाम है भाई एक काम करो कल दे देना ऑर्डर। मैंने भाई ये फ्रेश डिलीवरी है, ये कल वल में नहीं होती, जो टाइमिंग है आपकी टाइमिंग के अंदर अंदर आपको डिलीवर या कैंसिल करना पड़ता है ऑर्डर, तो कहने लगा ठीक है भाई कैंसिल कर दो ऑर्डर। तो भाई अपने को कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन भाई थोड़ी सी दिक्कत अपने को ये होती है, पता है अमेज़न बोलती है भाई ऑर्डर डिलीवर्ड होना चाहिए, और ऑर्डर डिलीवर नहीं होगा ना तो आप मतलब कुल मिला के ऑर्डर डिलीवर होगा ना तो आपकी आईडी बढ़िया रहेगी, अदरवाइज ऑर्डर का रीज़न कुछ भी हो कैंसिल करने का आप अपने हैंड से करो, वैसे अपन लोग अपने हैंड से तो करते नहीं है, कस्टमर के ऊपर ही करते हैं, कस्टमर भाई फ़ोन नहीं उठा रहे कुछ भी, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो भाई इधर अपना डैशबोर्ड आता है, डैशबोर्ड में देख लो भाई अपनी आईडी अप डाउन होती रहती है भाई, अभी अपनी फेयर पे थी ग्रेट पे आ गई है, उससे पहले फंटास्टिक पे थी, अभी अपना ऑर्डर कैंसिल हो गया है, रीजन कस्टमर का है बट अपनी आईडी का डैशबोर्ड डाउन होगा, क्या ही कर सकते हैं अपन इस चीज़ के बारे में। चलते हैं अभी अपने फोर्थ एंड लास्ट ऑर्डर की लोकेशन के लिए भाई, जो कि है अपना ऑर्डर गुलमोर गार्डन का, सोसाइटी बस आगे सोसाइटी है बस गुलमोर गार्डन अपनी, वही करते हैं अपने एक एक बैग स्कैन दोबारा से भाई। ये अपना ऑर्डर कैंसिल ऑर्डर ये वाला दो बैग का, और भाई एक बैग अपना ये हो गया, और भाई एक बैग ये हो गया, ये तो कुछ खाली बैग है, तो ये हो गया भाई, जो ग्रीन होगा ना वही पिकअप होगा। लो जी भाई एक्यूरेट मच ऑफ सीट, ये बैग रखा आपके यहाँ पे कैसे ऑर्डर आपका, आइटम आठ ही आइटम ना आपके, ठीक है ना भाई करते हैं डिलीवर लास्ट ऑर्डर को भी, सभी आइटम अपने नो प्रॉब्लम कर लिए हैं, पहले कंटिन्यू कंफर्म एंड स्वाइप टू फिनिश। तो भाई जी बाइक का मीटर है 16,140 और आई थिंक अपन 39 पे निकले थे, मुझे यार एक्यूरेट याद नहीं कितना है, बाकी यार जिनको भाई जिसने स्टार्टिंग से लेकर वीडियो तक लास्ट तक देखी है भाई वो समझ गए कितने किलोमीटर बाइक है अपनी। एक घंटे के अंदर अंदर अपन फ्री हो गए अपने चार ऑर्डरों से, पिकअप से लेके डिलीवर तक, और डिस्टेंस भी जिसमें कवर किया अपने ने, ठीक है भाई अपना बढ़िया काम है यार। तो बाकी भाई अपनी एक स्लॉट की अर्निंग है जो अपने ने सिर्फ भाई एक घंटे के अंदर अर्न कर लिया है, तो भाई बढ़िया काम है मेरे हिसाब से भाई, जो बंदा भाई ऑफिस के बाद करना चाहता है या कोई स्टूडेंट है भाई वो अपने कॉलेज के बाद या कोचिंग वगैरह किसी के बाद भी करना चाहता है ना भाई, बहुत बेस्ट ऑप्शन है। एक स्लॉट भाई सुबह कर लो 6 से 8, एक शाम को कर लो 8 से 10, और बाकी जिस टाइम आप फ्री हो उस टाइम कर लो, ऐसा कोई सीन नहीं है कि भाई जिस टाइम कंपनी चाहिए उस टाइम आप काम करोगे, कंपनी भाई सिर्फ स्लॉट छोड़ती है, वो आपकी हेडक है आपको करना है नहीं करना, आपका मन है तो करो, आप फ्री हो तो करो, वरना आपको कोई प्रेशर नहीं डालेगा भाई आप ब्लॉक उठा के आ जाओ या ब्लॉक उठा लो काम क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा कोई कुछ सीन नहीं है भाई, आपको जितना काम करना है उतना काम करो बस। तो भाई आज की वीडियो जो भाई शूट करने का मेन रीज़न यही था, तो भाई मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कैसे काम होता है, बाकी यार वेयर हाउस के अंदर ऑर्डर कैसे पिकअप होते हैं भाई उसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बना रखी है चैनल पे, तो भाई आप जाकर देख सकते हो भाई, डाल देना हाउ टू फुल प्रोसेस ऑफ अमेज़न फ्लैक्स डाल दोगे ना आप तो भाई मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। बाकी अपन सब लोग कहीं एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना और भाई कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा, तो भाई मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे भारत बाय। अभी अपने को पहुंचना वेयर हाउस बिकॉज जो अपने पास बैग हैं वो बैग जमा करने और जो ऑर्डर है भाई वो भी जमा करना है, क्योंकि भाई ये एक रूल है भाई, आपको बैग ऑर्डर जो कैंसिल होगा वो कैश वगैरह जो भी कुछ भी होगा भाई आपको जमा करना पड़ेगा, जो भी आपका स्लॉट टाइमिंग है उसके तुरंत बाद, मतलब अपने ऑर्डर ख़त्म करने के तुरंत बाद ही आपको जाना पड़ेगा वेयर हाउस, बैग जमा करने हैं और अपना कैश जमा करना है, कैश है तो कोई ऑर्डर का इशू मतलब कुछ भी जो भी कुछ है आपका जो भी इशू है भाई सब आपको सबमिट करना पड़ेगा आपको वेयर हाउस पहुँच के, बैग हुआ आपका सैटल बैग हो गया छोटे बैग बड़े बैग कैश हो गया ऑर्डर कैंसिल, जैसे कि भाई अपना ऑर्डर कैंसिल हुआ है पहुँच चुके हैं वेयर हाउस, बैग वगैरह सबमिट करते हैं अपने सारे जी, बैग हो गया सबमिट और अपना लास्ट काम है जो अपने को भाई यहाँ पर आके जो अपनी लोकेशन है वेयर हाउस उस पर क्लिक करके आई हैव पार्क्ड भाई, अपने दो बैग का ऑर्डर कैंसिल है ये डाल देंगे, आई हैव रिटर्न द आइटम भाई, सिंक कर लो अपने फ़ोन को एक बार ताकि सब कुछ रिफ्रेश आपका।